हाय एवरीवन, दिस इज़ मी हबीबा शबीर। हमने इनहेरिटेंस का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप्स है वो है सिंगल इनहेरिटेंस, फिर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है। अगर क्लास बी जो है वो डायरेक्टली इनहेरिट कर रही है क्लास ए की प्रॉपर्टीज़, इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस। जैसे कि आप देख रहे हैं क्लास बी जो है वो डायरेक्टली इनहेरिट कर रही है क्लास ए की प्रॉपर्टीज़, तो दिस इज़ कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। अब हम इसका एक कोड देखते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल लिख लेते हैं, आईस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। उसके बाद हम एक क्लास पेरेंट बनाते हैं, पब्लिक। मैं इधर पेरेंट कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करूंगी, पेरेंट, और जो हमारी क्लास का नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। इसमें मैं सीआउट पेरेंट क्लास को प्रिंट कर लेती हूँ। इसके बाद ब्रैकेट्स क्लोज, और हम अगर मुझे इधर चाइल्ड क्लास बनानी है जो कि इस पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करे, तो इसके लिए मैं लिखूंगी क्लास चाइल्ड पब्लिक पेरेंट। पब्लिक और चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करूंगी इधर। उसके बाद सीआउट चाइल्ड क्लास को प्रिंट करवा लूंगी। इसके बाद मैं मेन फंक्शंस में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगी, इंट मेन, चाइल्ड चाइल्ड सी। मैंने चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया है, और रिटर्न ज़ीरो कर दूंगी। के बाद हम सेव कर लेते हैं और इसको रन करते हैं। तो ये देखिए, चाइल्ड क्लास इनहेरिट प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास। पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और फिर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये था हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस। अब हम देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में पेरेंट क्लास इज ड्राइव फ्रॉम अनदर क्लास। अगर मेरे पास एक क्लास बी है, जैसे मेरे पास एक ग्रैंड क्लास बी है और एक क्लास सी है, जो जो वो क्लास बी जो है वो क्लास सी जो है वो क्लास बी की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहा है, और जो बी है वो इंटर्न क्लास ए की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, मतलब मल्टी लेवल। जैसे कि मेरे पास इधर डायग्राम में शो हो रहा है ग्रैंड चाइल्ड, ये किसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहा है, चाइल्ड की, और चाइल्ड किसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहा है, पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को। तो अब हम इसका कोड देख लेते हैं कि मल्टी लेवल को कैसी इम्प्लीमेंटेशन इसकी होगी। एज यूजल हम हेडर फाइल लिखेंगे, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। उसके बाद हम पेरेंट क्लास बनाएंगे,
और ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज पब्लिक पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और पेरेंट क्लास को सीआउट करवा देंगे। पेरेंट क्लास इसके बाद हम ब्रैकेट्स को क्लोज करते हैं और एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं। क्लास चाइल्ड पब्लिक पेरेंट। चाइल्ड क्लास क्या कर रही है कि पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को पब्लिकली इनहेरिट कर रही है। उसके बाद पब्लिक और फिर हम चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। चाइल्ड कंस्ट्रक्टर और सी आउट कर देंगे चाइल्ड क्लास। इसके बाद हम एक थर्ड क्लास बनाते हैं जो कि क्या है हमारे पास ग्रैंड चाइल्ड क्लास। क्लास ग्रैंड चाइल्ड पब्लिक चाइल्ड। अब ये क्या कह रहे हैं ग्रैंड चाइल्ड क्लास जो है वो पब्लिकली चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम कौन सी टाइप पढ़ रहे हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। पब्लिक कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद ग्रैंड चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सी आउट ग्रैंड चाइल्ड क्लास। अब उसके बाद हम ब्रैकेट्स को क्लोज करते हैं और मेन फंक्शंस में हम इधर ग्रैंड चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। ग्रैंड चाइल्ड ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं जो कि सी और सेमी कॉलन लगा देंगे। ये इधर कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे, नॉट सिंपल ब्रेसेस, इधर भी कर्ली ब्रैकेट्स। रिटर्न जीरो। अब हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आती है हमारी। तो आउटपुट में सबसे पहले हमारे पास पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और फिर ग्रैंड चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्योंकि हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पा रहे हैं, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि ग्रैंड चाइल्ड किसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहा है, चाइल्ड क्लास की, और चाइल्ड किसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहा है, पेरेंट क्लास की। तो इसलिए सबसे पहले पेरेंट क्लास की कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, फिर हम चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे और फिर हम ग्रैंड चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। तो ये था हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब हम देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में चाइल्ड क्लास मल्टीपल पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। जैसे ये देखें क्लास सी का है, ये चाइल्ड क्लास है और ये मल्टीपल क्लासेस
क्लास से और क्लास बी से प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। ये कैसे कर रहे हैं हम इसकी इसका कोड देखते हैं। एज यूजल हम हेडर फाइल लिखेंगे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। हम एक पेरेंट की क्लास बनाएंगे पब्लिक और पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। आउट पेरेंट क्लास हैंडल कर देंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट्स को क्लोज करते हैं और एक दूसरी क्लास पेरेंट के बनाते हैं क्लास पेरेंट वन। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं पेरेंट वन पब्लिक पेरेंट वन। कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे और ब्रैकेट्स ऑपरेंड क्लोज फिर हम सी आउट पेरेंट वन सॉरी डबल कोट्स पेरेंट वन क्लास। उसके बाद एंडल कर देंगे इसे फिर हम ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे फिर सेमी कोलन लगा के हम एक और पेरेंट क्लास को क्रिएट करेंगे जो कि कौन सी होगी पेरेंट टू क्लास। क्लास पेरेंट टू पब्लिक पेरेंट टू कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे सी आउट पेरेंट टू क्लास फिर हम एंटर कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक क्लास चाइल्ड की बनाएंगे जो कि क्या करेगा वो पेरेंट वन और पेरेंट टू की क्लास प्रॉपर्टीज को पब्लिकली इनहेरिट करेगा। क्लास चाइल्ड और पब्लिक पेरेंट वन बाय यूजिंग सेमी कॉलन सेपरेटेड बाय पेरेंट टू पब्लिक पेरेंट टू। इसके बाद हम ब्रैकेट्स लगाएंगे और पब्लिक चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे क्योंकि हम चाइल्ड क्लास में जनरेट कर रहे हैं तो इसके इसलिए हम चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे चाइल्ड और सी आउट चाइल्ड क्लास एंटर कर देंगे। हम इसके बाद ब्रैकेट्स को क्लोज करते हैं और मेन फंक्शंस को बनाते हैं। सॉरी हमने एक और क्लास को जनरेट करना है जो कि कौन सी है ग्रैंड चाइल्ड क्लास और वो किसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहा है चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगा। क्लास ग्रैंड चाइल्ड
पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज को। उसके बाद हम ब्रैकेट्स लगाएंगे और पब्लिक ग्रैंड चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, ग्रैंड चाइल्ड और फिर ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज और सी आउट ग्रैंड चाइल्ड। इसके बाद हम क्या करें, ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे और अपना मेन फंक्शन बनाएंगे, इंट मेन ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करती हूँ, चाइल्ड सी और रिटर्न ज़ीरो और ब्रैकेट क्लोज। हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कुछ चीज़ मिसिंग तो नहीं है। ओके, अब हम इसको रन करते हैं। एम लिखने, क्लास ग्रैंड चाइल्ड पब्लिक चाइल्ड। इसके बाद ब्रैकेट्स और फिर पब्लिक ग्रैंड चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और ब्रैकेट क्लोज आ जाए। क्लास सबसे पहले पेरेंट की क्लास बनाई तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, फिर उसके बाद हमने एक पेरेंट वन क्लास बनाई और पेरेंट वन कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और सी आउट में पेरेंट वन क्लास प्रिंट करवा दी। इसके बाद हम पेरेंट टू क्लास बनाएंगे और पेरेंट टू कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे और पेरेंट टू को सी आउट करवा देंगे और हमारी क्लास क्लोज हो जाएगी। उसके बाद हम क्लास चाइल्ड क्लास बनाएंगे जो कि क्या कह रहा है, पेरेंट वन और पेरेंट टू की प्रॉपर्टीज़ को पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है, और फिर चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे और सी आउट में चाइल्ड क्लास प्रिंट कर देंगे। सिमिलरली हम ग्रैंड चाइल्ड क्लास बनाएंगे पब्लिक, जो कि क्या कर रहा है, पब्लिकली चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है, और ब्रैकेट फिर पब्लिक कीवर्ड का यूज़ करेंगे और ग्रैंड चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। उसके बाद सी आउट ग्रैंड चाइल्ड क्लास, सॉरी इधर क्लास नहीं लिखा था, तो ग्रैंड चाइल्ड क्लास सी आउट में आएगा, तो ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। उसके बाद मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में हमने चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था, रिटर्न ज़ीरो कर देंगे। अब हम इसको रन करते हैं। इधर एरर दे रहा है पब्लिक चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड सी आउट ग्रैंड चाइल्ड क्लास। सी आउट ग्रैंड चाइल्ड क्लास और इसके बाद मेन फंक्शन रिटर्न ज़ीरो। ग्रैंड चाइल्ड पब्लिक इनहेरिट कर रहा है चाइल्ड प्रॉपर्टीज को। पब्लिक ग्रैंड चाइल्ड। ओके, एक दफ़ा हम दोबारा देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ मिसिंग है इसमें जिसकी वजह से एरर आ रहा है हमारे पास।
क्लास पेरेंट फंड और पब्लिक और पेरेंट हो क्लास ग्रैंड चाइल्ड ओके जब हम हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, जब हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा, सबसे पहले जो पेरेंट वन क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर पेरेंट टू क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और लास्ट में चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने पेरेंट इसका ये पढ़ा था, इसके प्रॉपर्टीज ये थी कि ये क्या कर रहा है, चाइल्ड क्लास हमारे पास एक है जो कि सी है, वो इनहेरिट कर रहा है मल्टीपल पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को, जो कि कौन सी है, हमारे पास क्लास सी और क्लास बी, इनकी प्रॉपर्टीज़ को क्या इनहेरिट कर रहा है क्लास चाइल्ड क्लास। तो इसीलिए जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास पेरेंट वन क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर पेरेंट टू क्लास का होगा और लास्ट पे क्या होगा, पेरेंट चाइल्ड टू क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा।